नमस्कार, चुनावी नगरी में मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूं एक और विधानसभा लेकर। पिछली कड़ी में हमने कुशालगढ़ के बारे में बात की थी, जहां की सीट ने अशोक गहलोत को सीएम बनने में मदद की थी। अब बात करते हैं उस जिले की, जो माउंट आबू के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा स्थान है। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में अब तक 17 बार चुनाव हो चुके हैं, इसमें 10 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत पाई थी। आबादी की बात की जाए तो यहां लगभग 85% हिंदू हैं और 14% मुसलमान मतदाता हैं। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 8,68,231 है, जिसका 87.73% हिस्सा ग्रामीण और 12.27% हिस्सा शहरी है। यहाँ कुल आबादी का 7.93% अनुसूचित जाति और 53.74% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर 1993 से बीजेपी का कब्जा है। प्रतापगढ़ विधानसभा से एक बार फिर पिछले चुनाव की तरह भाजपा से हेमंत मीणा व कांग्रेस से रामलाल मीणा आमने सामने होंगे। अब बात करें प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, तो भाजपा से हेमंत मीणा 35 वर्षों तक लगातार विधायक व भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के पुत्र हैं। वहीं हेमंत मीणा प्रतापगढ़ विधानसभा से पिछले विधानसभा चुनाव में भी भाजपा के उम्मीदवार थे। हालांकि पिछले चुनाव में भाजपा के हेमंत मीणा को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में रामलाल मीणा है, जिनको 2018 के चुनावों में कांग्रेस ने पहली बार टिकट दी थी और उन्होंने प्रतापगढ़ विधानसभा से 16,680 वोटों से जीत हासिल की थी। अगर रामलाल मीणा की बात की जाए तो रामलाल मीणा सबसे पहले बीजेपी में रहते हुए जिला परिषद में भाजपा के उप जिला प्रमुख रह चुके थे। भाजपा से अनबन के चलते रामलाल मीणा ने भाजपा से निकलकर किरोड़ीलाल मीणा के साथ जुड़कर 2013 में राजपा से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। किरोड़ीलाल मीणा ने भाजपा के साथ फिर से जुड़ जाने के बाद रामलाल मीणा ने भाजपा में जाने की जगह कांग्रेस का दामन थाम लिया, जिसके बाद 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने रामलाल मीणा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, जिसमें रामलाल मीणा ने जीत दर्ज की थी। अब इस बार भी विधानसभा चुनाव में प्रतापगढ़ विधानसभा से दोनों पार्टियों ने अपने पुराने चेहरों पर ही दांव खेला है। अब देखना यह होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है। अगली बार फिर होगी मुलाकात नई विधानसभा के चुनावी समीकरण के साथ। नमस्कार।